रानी देव की नगरी में सपो शास्त्री। और आज क्या जो खबर है वो अथाह खबर है। मेरे अंदर में जो गुस्सा है वो बहुत भयंकर गुस्सा है, क्योंकि मैंने आपको आंखों देखा है वो हाल को। सावधान हो जाइए, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी वाइफ, आपकी मां, आप लोग के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस समय सुडगुल का बुरा हाल है। आंखों देखी हाल, हकीकत की कहानी मैं बता रहा हूं। एक लड़की आती है, एक लड़का उसको सारेआम छेड़ता है। सारे लोग तमाशा देखते हैं, ये मुर्दे लोग कुछ नहीं कमेंट करते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। एक टपोरी टाइप का लड़का आके छेड़ता है, वहां पे मेरी गाड़ी रुकती है, मैं पूछता हूं ये कौन है, उसको सारेआम छेड़ता है। सारे लोग तमाशा देखते हैं, ये मुर्दे लोग कुछ नहीं कमेंट करते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। एक टपोरी टाइप का लड़का आके छेड़ता है, वहां पे मेरी गाड़ी रुकती है, मैं पूछता हूं ये कौन है। वो लड़की का रिएक्शन होता है कि ये मेरे को छेड़ रहा है, मेरे से 45,000 रुपया लिया हुआ है, प्रेम किया है और शादी करने के बहाना देकर मेरे शारीरिक शोषण से लेके सब कुछ किया है मेरे साथ। मैं दंग रह गया। उस लड़के को मैंने सामने से ये कंटाप खींचा, वो भग गया वहां से। लड़की की मां आई, उसके घर वाले आए, उनको हैंडओवर किया गया और बताया गया कि सावधान हो जाए, ऐसे टपोरियों लोगों से प्यार करना बंद करो। और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो अपने आप को बहुत बड़े तोप खान के घर में बैठे हुए हैं कि मेरी पत्नी, मेरी बच्ची, मेरी वाइफ, मेरी मां जॉब करने के जा रही हैं, उनके दिल में उतर के पूछिए कि आपके साथ होता क्या है। जब आप घर से बाहर निकलती हैं तभी आपके साथ शुरू होता है खेला। घर से लेकर कंपनी तक हर लोगों की बुरी नजर होती है उन लोगों के ऊपर, चाहे वो काम का हो या शरीर का हो या पैसा का हो, ए टू जेड सारा कुछ। तो गाइस, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस पे दिया गया नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और मुझे बताइए, मैं आपके साथ हूं, हल्ला बोल करूंगा। मैं सपू शास्त्री, कैमरा मनीषान द्विवेदी के साथ, द न्यूज देवकी नगरी।